जायंट रोबोट फायर ट्रक। बलरामपुर में रोज की तरह सब नॉर्मल चल रहा था, सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तभी अचानक आसमान में जोरों का आवाज हुआ और वहां से एक आग का गोला आके गिरा और जोर का धमाका हुआ। सभी लोग दौड़ के वहां पर पहुंचे। मोहन कहता है, अरे बाप रे, ये का है, बड़ा अजीब लग रहा है। और अब अरबाक दिखाई नहीं देता, फायर ट्रक है जिसका टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। अरे अरे सातवीं फेल, वो तो मुझे भी दिख रहा है कि वो फायर ट्रक है, लेकिन फायर ट्रक को भी उड़ते देखा है कभी उल्लू कहीं के? अरे नहीं तो? तो फिर बड़ी अजीब बात है, ये फायर ट्रक आसमान में गया कैसे? थोड़ी देर उसे ध्यान से देखने के बाद मोहन फिर से कहता है, अरे भाई साहब, ये कोई ऐसा वैसा फायर ट्रक नहीं है। देखो, ये बड़ा अजीब है। देखो वहाँ पर मुझे एक आदमी का चेहरा भी दिखाई दे रहा है। कुछ भी बोलता है भाई तू, ट्रक का कोई चेहरा रहता है क्या कभी? अबे गधे ध्यान से देख, वो देख। हाँ यार, बड़ा अजीब है ये। ये कोई एलियन तो नहीं है जो हमारे गांव में कब्जा करने आए होंगे? अबे मुझे क्या पता ये क्या करने आया है, लेकिन एक आदमी को जानता हूँ जो इसके बारे में हमें बता सकता है। अच्छा, कौन है बे वो? अबे हमारे गाँव का साइंटिस्ट सुंदरम, जो नासा से रिटायर होके आया है। फिर सभी लोग उस फायर ट्रक के सभी पार्ट को कार में बांध कर सुंदरम के घर ले जाते हैं और सुंदरम को सभी बात बता देते हैं। सुंदरम उस फायर ट्रक को अच्छे से चेक करने के बाद कहता है, अरे ये कोई ऐसा वैसा फायर ट्रक नहीं है, ये बहुत एडवांस रोबोट फायर ट्रक है। ये कभी भी ट्रक या रोबोट के आकार में बदल जाता है और इसमें बड़े बड़े हाईटेक हथियार भी लगे हुए है। लेकिन भैया ये यहाँ आया कैसे? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ। अच्छा, ये तो वही फायर ट्रक है जिसके बारे में मुझे दोस्त ने बताया था। अरे ये चाइना का है, जरूर एक्सपेरिमेंट के दौरान वहाँ से उड़ के यहाँ आ गया होगा। भैया क्या आप इसे ठीक कर सकते हो? ठीक तो कर सकता हूँ, लेकिन इसमें बहुत पैसा लगेगा और मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं खुद पेंशन में जी रहा हूँ। सभी लोग कुछ देर सोचते है, फिर से मोहन कहता है, जितना पैसा लगेगा हम सब मिलकर लगाएंगे, बस आप इसे ठीक कर दो। लेकिन इसको ठीक कर क्या करोगे? भैया हम इसको अपने गांव का रक्षक बनाकर रखेंगे, हमारे सभी मुसीबतों में यह हमारे काम आएगा। अच्छा ठीक है फिर। दूसरे दिन सुंदरम सभी गांव वालों को पैसा लेकर शहर से सभी जरूरी सामान लेकर आता है और अपना काम चालू करता है। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उस फायर ट्रक को वो ठीक कर लेता है। तभी सोहन मोहन वहां आ जाते हैं और ट्रक के पार्ट्स को पड़ा हुआ देखकर बोलते हैं, अरे क्या भैया, अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया, ये तो अभी तक वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। अरे मोहन भाई, ये ठीक हो गया है, रुको अभी दिखाता हूँ। फिर सुंदर अपने लैपटॉप में कुछ कमांड देता है और वो फायर ट्रक का पूरा पार्ट्स धीरे धीरे जुड़ना चालू होता है और एक बहुत बड़ा रोबोट फायर ट्रक में बदल जाता है, जिसे देख मोहन सोहन डर के गिर जाते हैं। मोहन कहता है, अरे बाबा, ये क्या है? मैंने तो पहले ही बोला था ये बहुत हाईटेक रोबोट फायर ट्रक है। लेकिन भैया इसको चलाएंगे कैसे? अरे ये ऑटोमेटिक है, इसे बस कमांड दो, ये वैसा ही काम करेगा। फिर मोहन सोहन उस रोबोट फायर ट्रक को लेकर गांव चले जाते हैं और सभी गांव वालों को दिखाते हैं, जिससे सभी लोग बहुत खुश होते हैं। और दूसरे दिन से रोबोट फायर ट्रक सबकी मदद करता है। एक दिन पास के जंगल में आग लग गई थी, रोबोट फायर ट्रक वहां जाकर पूरे जंगल की आग बुझाता है। दूसरे दिन कुछ लोग बड़े से पेड़ के नीचे दब गए थे, वो उसे बचाता है। ऐसा सब अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन जीप से कुछ लोग वहां आ जाते हैं, जिनके पास रॉकेट लॉन्चर थे। वो गांव वालों को बंदी बना लेते हैं। वो जीप वाला आदमी कहता है, सुनो गांव वालों, सुना है तुम्हारे पास एक हाईटेक रोबोट है, उसे हमें दे दो।
नहीं तो अभी सबको उड़ा देंगे। भैया हमें नहीं पता वो कहाँ है, बस वो आता है और सभी की मदद करके वापस चला जाता है। अच्छा तो तुम ऐसे नहीं बताओगे, अभी तुमको सबक सिखाता हूँ। ऐसा बोलकर वो रॉकेट लॉन्चर से फायर करते हैं और इससे पहले गांव वालों को कुछ होता वो रोबोट वहां जम करके गांव वालों को बचा लेता है। फिर रोबोट कहता है, ए, तुम लोग इन बेचारे भले लोगों को चोट पहुंचाकर बड़ी गलती कर दिए, अब तुम इसका अंजाम भुगतो। ये सुनकर जीप वाला आदमी कहता है, अच्छा तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी है, बॉयज हमला करो। दोनों तरफ से गोलियों की बारिश होती है, ऐसे बहुत समय तक होता है। फिर कुछ देर बाद रोबोट के बॉडी से एक रॉकेट निकलता है और एक एक करके सभी जीपों को उड़ा देते हैं और वो सभी अपने हार देखकर वहां से भाग जाते हैं। उनको भागता देख रोबोट कहता है, आइंदा कभी मेरे गांव वालों की तरफ आंख उठा कर देखा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिर सभी गांव वाले उस रोबोट फायर ट्रक का धन्यवाद करते हैं और फिर वो रोबोट फायर ट्रक हमेशा के लिए वही रहता है। अच्छी लगी ना कहानी, तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। जादुई बोलती बिल्ली। बुद्धापुर गांव में बोलने वाली जादुई बिल्ली घूमते रहती थी। इसके बारे में उस गांव के लोगों को जानकारी नहीं थी। सभी लोग उस बिल्ली को साधारण बिल्ली समझकर खाना और दूध नहीं देते थे। फिर भी वो जादुई बिल्ली विक्रम बेताल की तरह जो भी उसके सामने आता उसे खाना मांगती रहती थी। इसी तरह एक बार एक गंजा आदमी गुजर रहा था। जादुई बिल्ली कहती है, अरे ओ गंजे भाई, ऐसा कहकर पुकारती है। ये सुनकर वो आदमी रुक जाता है। अरे ओ गंजे बड़े भाई, तुम्हें ही बुला रही हूँ। जादुई बिल्ली के कहने से गंजा आदमी रुककर बिल्ली को घूरते रहता है। गंजे भाई बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दो ना, नहीं तो कम से कम पीने के लिए दूध तो दो। मेरा नाम गंजा नहीं, सनीलाल है। तुम किसी के भी लाल हो, मुझे क्या, बस मुझे कुछ खाने के लिए दो या कम से कम पीने के लिए दूध दो। वाह, एक भिखारी दूसरे भिखारी से मांग रहा है। ऐसा क्यों कहा? अरे मेरे पास ही कुछ खाने के लिए नहीं है, तुम्हें कहाँ से ला कर दूँ? जादुई बिल्ली वहाँ से आगे निकलती है। इस तरह थोड़ी दूर जाने के बाद उसे शांताबाई का घर दिखता है। दरवाजा खुला रहने के कारण वो घर के अंदर जाती है। वहाँ शांताबाई रसोई घर में कुछ बनाते रहती है। बिल्ली कहती है, माँ जी बहुत भूख लगी है, थोड़ा दूध दो, पी कर यहाँ से चली जाऊंगी। अरे तुम बात कर सकती हो? हाँ बात कर सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा। अरे रे बिल्ली रानी, दूध नहीं है, अकेले रहने की वजह से मैं जंगल में जाकर वहाँ से कुछ आलू सब्जी ढूंढ कर लाती हूँ और उन्हें उबाल कर खाती हूँ, इसीलिए आलू चाहे तो खा लो। ठीक है। शांताबाई सारे उबले हुए आलू बिल्ली को देती है। बिल्ली उसे खाकर पानी पीती है और उसका पेट भर जाता है। वो कहती है, तुमने मेरी भूख मिटाई, इसीलिए बहुत धन्यवाद। तुम्हें कभी भी कुछ भी मुश्किल हो तो मुझे याद करना, मैं कुछ ही क्षणों में तुम्हारे पास आ जाऊंगी, चलती हूँ। ठीक है। बिल्ली वहाँ से गायब हो जाती है। शांताबाई सब्जी लेने के लिए जंगल की ओर जाती है। बहुत ढूंढने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। वो बहुत थक जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करती रहती है। उसी समय वहाँ पर एक नागिन आती है। बहुत दिन हो गए किसी को काटे हुए, अब तो दांतों में भी दर्द हो रहा है, किसी ना किसी को तो काटना ही पड़ेगा, लेकिन किसको काटूं? नागिन किसी को काटने के लिए ढूंढती रहती है। तभी उसे शांताबाई पेड़ के नीचे दिखती है। वो कहती है, अरे वाह मिल गया मेरा शिकार, अभी जाकर इसे काटती हूँ। नागिन शांताबाई को काटने के लिए उसके पास जाती है। नागिन को आते हुए देख वो बहुत डर जाती है और जादुई बिल्ली को याद करती है। तुरंत ही जादुई बिल्ली शांताबाई के पास प्रत्यक्ष होती है। जादुई बिल्ली हंसती हुई नागिन की ओर देखती है और कहती है, अरे ओए नागिन मैडम, किधर जा रही हो, पहले मुझसे निपटो। इस तरह जादुई बिल्ली और नागिन के बीच झगड़ा होता है और नागिन जादुई बिल्ली से डर कर वहाँ से भाग जाती है। जादुई बिल्ली शांताबाई के पास आकर कहती है, माँ जी आज से आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, हर चीज मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। ठीक है बिल्ली रानी। शांताबाई बहुत खुश होती है और जादुई बिल्ली का शुक्रिया अदा करती है।
आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।